ढेर सारी स्कीम्स पिछले तीन वर्षों में 5 अगस्त 2019 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यहां प्रारंभ की गई है, लेकिन मैं आज तीन प्रमुख स्कीम्स का जिक्र करूंगा जो अभी 2 दिन पहले एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की बैठक में हम सबने स्वीकृत किया है। पहली योजना जो है वो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर को लेकर के है। आप सबको मालूम है कि मोटे तौर पर जम्मू कश्मीर की 70% आबादी कृषि और इससे संबंधित सेक्टर से जुड़ी हुई है, उनकी आजीविका भी है और इसी पर वो आश्रित है। लगभग 13 लाख परिवार हैं जम्मू कश्मीर के जो एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, अनेक इस तरह की जितनी अलाइड एक्टिविटीज हैं उसमें जुड़े हुए हैं। एक नई सोच और नई व्यवस्था के लिए अनेक महत्वपूर्ण नीतियां बनाई गई, किसान भाइयों की आमदनी बढ़ाने के लिए अनेक निर्णय लिए गए और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक लक्ष्य रखा था किसानों की आमदनी दुगुनी करना, अनेक योजनाएं भारत सरकार चला रही, आप सब जानते हैं, उसका लाभ भी हमें मिला है और मुझे खुशी है कि चाहे वो केसीसी का मामला हो या किसान सम्मान निधि का मामला हो, 100% सेचुरेशन करने में हमें सफलता मिली है। पिछले 3 वर्षों में एग्रीकल्चर एवं एलाइड सेक्टर की ज्यादातर स्कीमें कैपिटल इन्फ्यूजन पहले की तुलना में 2 गुना से ज्यादा बढ़ाया गया है। 2019 के पहले जो कैपिटल इन्फ्यूजन था उसकी तुलना में 2 गुना से ज्यादा बढ़ाया गया है। हार्टिकल्चर हो, लाइव स्टॉक डेवलपमेंट हो, डेयरी में व्यापक परिवर्तन के लिए नई स्कीम शुरू करने का मामला हो, 2500 हेक्टेयर जमीन पर हाई डेंसिटी प्लांटेशन करने का मामला हो, 320 हेक्टेयर एप्पल तथा 2400 हेक्टेयर ट्रॉपिकल फ्रूट्स भी उसमें शामिल है, 11 सीए स्टोर, 3451 डेयरी यूनिट स्थापित की गई हैं, लाइव स्टॉक सेंटर में आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर के लक्ष्य के साथ यूटी कैपेक्स में 4 नई स्कीम शुरू की गई थी, हमने सीफ हस्बेंड्री सेक्टर को अपग्रेड करने के लिए न्यूजीलैंड के साथ एक एमओयू भी किया था। वर्तमान में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जम्मू कश्मीर करीब 1125 करोड़ रुपए का मटन इम्पोर्ट करता है। हमारी कोशिश है कि अगले 5 साल में इस क्षेत्र में भी जम्मू कश्मीर आत्मनिर्भर बन सके। जम्मू कश्मीर देश का पहला यूनियन टेरिटरी है जिसने मोबाइल पशु अस्पताल प्रारंभ किया है। देश में मेडिसिनल तथा एरोमेटिक प्लांट कल्टीवेशन के 750 करोड़ रुपए के मार्केट पोटेंशियल को हमें प्राप्त करना है। वैल्यू चेन तथा एग्रीगेशन नेटवर्क के साथ 67,000 मीट्रिक टन सीए स्टोरेज निर्मित किया जाएगा। हनी प्रोडक्शन को 3 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। सिल्क वर्म, सीप तथा ककून प्रोडक्शन को 2 गुना किया जाएगा तथा हाई क्वालिटी सिल्क प्रोडक्शन में जम्मू कश्मीर नई ऊंचाई प्राप्त कर सकेगा। कंडी और रेनफेड बेल्ट के 14,000 हेक्टेयर लैंड पर मिलेट और न्यूट्री सीरियल्स के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही 60 मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट भी हम स्थापित करेंगे। एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए 283 नए कस्टम हायरिंग सेंटर्स, 142 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा प्रोसीजन फार्मिंग सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे। ऑयल सीड का उत्पादन 2 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। 100 ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट स्थापित की जाएंगी, 300 एफपीओस निर्मित करेंगे जिसमें 3,000 फार्मर्स इंटरेस्ट ग्रुप शामिल होंगे और प्रत्येक ब्लॉक में 60,000 किसान भाइयों को मोबिलाइज करने का भी लक्ष्य रखा गया है। फ्रूट की जो वर्तमान इकोनॉमी है वो मोटे तौर पर 10,000 करोड़ के आसपास है, इसे बढ़ाकर 15,000 करोड़ के ऊपर ले जाने का लक्ष्य रखा है। प्रोसेसिंग सेक्टर को नया सामर्थ्य मिले, 17 जिलों में 7 प्रोडक्ट क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। मिल्क, वॉलनट, मीट, वेजिटेबल तथा बासमती राइस के 5 मेगा क्लस्टर स्थापित करने का भी लक्ष्य है। हर क्लस्टर पर 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा 25 करोड़ रुपए की लागत से चेरी का मिडी क्लस्टर
तथा 12.5 करोड़ रुपए की लागत से ट्राउट का एक मिनी क्लस्टर निर्मित किया जाएगा। मिल्क आउटपुट को 75% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में जितने मिल्क की प्रोसेसिंग हो रही है उसका 3 गुना से ज्यादा अगले 5 वर्षों में प्रोसेसिंग हो इसको किया जाएगा। 500 विलेज लेवल कलेक्शन यूनिट और 50 बल्क मिल्क चिलर्स स्थापित किए जाएंगे। डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग के लिए पंचायतों में 2000 किसान खिदमत सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे जो कृषि विज्ञान केंद्र लाइन डिपार्टमेंट तथा कृषि विश्वविद्यालयों के साथ मजबूत संबंध स्थापित करेगा। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं खासतौर से आगे बढ़ेंगे।